मासिक धर्म में सफाई की कमी महिलाओं को बीमार बना सकती है। ऐसे में ये जरूरी है कि महिलाएं श्रम झिझक तोड़कर आगे आएं, इस विषय में खुद जागरूक हों, समाज एवं दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें। भदोही जिले के डीग ब्लॉक में जिलाधिकारी गौरांग राठी के इसी आह्वान के साथ सामाजिक संस्था सामर्थ्य के अभियान मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता की शुरुआत हुई। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में जिला प्रशासन के सहयोग से सामाजिक संस्था सामर्थ्य के इस अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने इस दौरान महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण भी किया। करीब 500 महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे गए। आज सामर्थ्य फाउंडेशन के सौजन्य से जिला प्रशासन इसमें साथी पार्टनर रहा। मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो मासिक धर्म होता है उसके बारे में आज माता सीता समाहित स्थल जहाँ पर स्थित है उस गांव में ये कार्यक्रम विशेष कर रखा गया है, यह मैसेज देने के लिए कि मासिक धर्म अभी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर, जिसमें हमें एक कदम आगे और चलकर महिलाओं के साथ सहयोग करना चाहिए और पुरुषों को वो संवेदनशीलता जो ज़रूरी है, जिससे ये मासिक धर्म के पीछे जो एक टैबू इस समाज में है वो दूर हो सके और ना केवल महिला खुलकर इस बारे में बात कर सके, पर जब इस प्रकार की कुरीतियाँ और इस प्रकार के जो हमारे विचारों में अभी भी संकीर्णता है वो दूर होंगी तो और भी तरीके से महिला सशक्तिकरण को इसमें बल मिलेगा और नारे पार जो एक महिला सशक्तिकरण का केंद्र बनना चाहिए उसके बारे में भी विभिन्न बातें महिलाओं से यहाँ पर हुई। अभियान का लक्ष्य डीग ब्लॉक के 98 ग्राम पंचायत की महिलाओं को जागरूक करना है। जंगीगंज स्थित जेपी हॉस्पिटल इस अभियान में नॉलेज पार्टनर है। इस मौके पर डॉक्टर जया शुक्ला ने महिलाओं को विस्तार से मासिक धर्म में सफाई की कमी से होने वाली बीमारियों एवं इनसे बचाव के उपाय बताए। माहवारी को बहुत ही मतलब शन का टॉपिक समझा जाता है, तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम औरतों के बीच में, अपनी माताओं बहनों के बीच में उसको, उस झिझक को ख़त्म करें ताकि वो खुल के इस बारे में बात कर सके और इसको कोई भी शन का टॉपिक ना समझा जाए, इसका यही उद्देश्य था। काफ़ी महिलाओं से बात करके मुझे ये लगा है कि पहले से स्थिति काफ़ी सुधर गई है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं ने ये बताया कि हमारे पति भी सपोर्ट करते हैं हमें, घर में हमारी स्थिति को समझते हैं, तो ये लगता है पहले से तो काफ़ी बदलाव है, लेकिन अभी भी हालांकि बहुत बदलाव की ज़रूरत है। इसी के वजह से हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। भदोही जिला प्रशासन के सहयोग से सामर्थ्य संस्था के अभियान को नाइन फाउंडेशन का सहयोग मिल रहा है। अभियान को लॉन्च करने वाली संस्था सामर्थ्य का कहना है कि ये अभियान शर्म के विरुद्ध एक आंदोलन है। न्यूज़ रूम पोस्ट दिल्ली।